बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सेकेंड ईयर माहद इस्लामियत इख्तियारी का हम सबक पढ़ेंगे। हम इस्लामियत इस हमने जो है यहूद की तारीख़ के बारे में पढ़े हैं कि यहूद मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मुबतला थे। आज हम उनकी एक और जो है वो नाफरमानी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने तला की नाफरमानी की, जिसमें आयत नंबर 102 और 103 जिसके बारे में जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहूद की सहर से दिलचस्पी यानी कि जादू से कि उन्हें मना किया गया इस बात से, फिर भी वो उस बात की यानी कि उस बात की पैरवी की, उन्होंने उसको सीखा। उन्होंने देखिए पहले इसका तर्जमा व तबाव, और उन्होंने पैरवी की माँ उस चीज़ की तत्लू जो पढ़ते थे, अशियातीन शैतान अला पर मुल्की बादशाहत सुलेमाना सुलेमान वमा और नहीं का फरा कुफर किया सुलेमान सुलेमान वरकिन्ना और लेकिन अशियातीना शैतानों ने ही कफर कुफर किया वालिमुना सिखाते थे नासा लोगों को सिशरा जादू वमा और जो उनजिला उतारा गया अला पर मलाकैनी दो फरिश्तों बिबाबिला बाबिल में हारूता हारूत व और मारूता मारूत वमा और नहीं और लिमानी सिखाते थे वो मिन से अहदिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक के यकूलू वो कह देते यकूला वो कह देते इन्नमा सिर्फ नहनु हम फितनतुन एक फितना आजमाइश है फला पस ना तक फुर तो कुफर किया फैतमुना पस फिर वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से माँ जो के फ़र्कुना जुदाई डालते भी ही इसके साथ बीना दरमियान मर ही मर्द व जोजी ही बीवी उसकी वमा हम और नहीं वो बिजारीना हरगिज़ नुकसान पहुँचाने वाले भी ही इससे मीन्स किसी अहर एक को इल्ला मगर बिजनी हुक्म चल्ला ही अल्लाह वही तमूना और वह सीखते माँ जो या जुर्म नुकसान दें इनको वला और ना यफ़ाहम नफ़ा दें इनको वलाकत और अलबत् तहक़ीक यकीनन आलिम इन्हें मालूम था लमन जिस किसी ने निश्तराहु ख़रीदा इसको माँ नहीं लहू उसके लिए फ़ीमे आखिरत आखरत मिन से खलाक हिस्सा वला बिस्सा और बुरी है माँ वो चीज़ शरो बेच डाला भी ही बदले इसके अनफसम जानो अपनी को लव काश कानु होते या आलमूना वो जानते वत्तबाउ मा तत्लु शियातीनु अला मुल्की सुलेमाना वमा कफरा सुलेमानु वलकिन शियातीना कफरु यल्लिमूना नास सिहरा वमा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युल्लिमानि मिन अहद من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون। और उन्होंने हर उस चीज़ की पैरवी की जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतलक कुफर की बात नहीं की बल्कि शयातीन ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते। इन बातों के भी जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते हम तो आजमाइश है तुम कुफर में ना पढ़ो, गैर लोग इनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें और खुदा के हुक्म के सिवा इस जादू से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान भी पहुँचाते और फ़ायदा कुछ ना देते। और ये जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी शहर और मंत्र वगैरह का ख़रीदार होगा इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज़ के वजह उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बहुत बुरी थी, काश वो इस बात को जानते। वाह और लो अगर अन्ना हूँ बेशक वो आमन हो ईमान लाते वत्तकू और तकवा इख्तियार करते लामसूबत उन तो सवाब मिलता बदला पाते मिन से इंदल्लाही पासल्ला के खैर बेहतरीन लो काश कानो होते या लमुना वो जानते वलो अन्ना हम आमन वत्तकू लामसूबत मिन इंदल्लाही खैर लो कानो या लमून और अगर वो ईमान लाते परहेजगारी करते तो खुदा के हाँ बहुत अच्छा सिला मिलता है इन्हें अगर वो जानते। देखिए जी इन आयत नंबर 102 में जो है ना सबसे पहले सहर और साहिरी से यहूद की दिलचस्पी यानी कि जादू से उसके मुतालिक यहूद की दिलचस्पी के बारे में बताया जा रहा है
किस दौर में बनी इसराइल के अंदर जादू का रवाज बहुत था, इसका अंदाज़ा तौरात के इस बयान से होता है कि उन्होंने आसमानी फौज की पूजा की और बाल की पूजा की, बाल जो है वो बुध का नाम था, और अपने बेटों और बेटियों को आग में जलवाया, फालगिरी की, जादूगरी से काम लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी को रवाज हासिल हुआ, हालांकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इससे कोई ताल्लुक ना था। यहूद ने किताबुल्लाह से मुंह मोड़कर जादू के घटिया ज़ौक को परवान चढ़ाया। अब इस जादू का मकसद क्या होता था कि वो इसे सीखते थे और क्यों सीखते थे, इसकी क्या करना चाहते थे। इस आयत में ये भी बताया गया कि जादू से इनका मकसद क्या था। हदीस में आता है कि इब्लीस अपने मरकज से ज़मीन के हर गोशे पर अपने एजेंट रवाना करता है, फिर वो वापसी पर आकर अपनी अपनी कार्रवाइयाँ सुनाते हैं, लेकिन इब्लीस हर एक की कार्रवाई पर आदम इत्मीनान का इजहार करता है, इनके खुश नहीं होता उनसे। फिर एक आता है, इतला देता है कि मैं एक औरत हूँ, इसके शोहर में जुदाई डाल आया हूँ। ये सुनकर इब्लीस इसको गले लगा लेता है और कहता है तू काम करके आया है। इस हदीस पर गौर करने से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि बनी इसराइल के आजमाइश को जो फरिश्ते भेजे गए, इन्हें क्यों हुक्म दिया गया कि औरत और मर्द के दरमियान जुदाई डालने का अमल इनके सामने पेश करें। दरअसल यही ऐसा पैमाना था जिससे इनके अखलाकी जवाल को ठीक ठाक नापा जा सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत इनके आजमाइश के लिए भेजे। वो इन्हें जादू सिखाने से पहले ही बताते थे कि नहायत बुरा इल्म है, लेकिन ये वो इल्म फिर भी सीखते थे जिससे दूसरे की बीवी को जादू के ज़रिए अपने ऊपर आशिक कर सके। इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है। कि पराई औरत से आंख लड़ाई जाए या किसी की मनकूहा औरत को इसके खावन से बेवफा करके अपने साथ मिलाया जाए, दूसरे वो जादू वगैरह को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे और उनकी सल्तनत के कमालात को जादू का मरहून मिन्नत करार देते थे। ये अक्सर झूठ था जो उनकी तरफ मंसूब करते थे। इसलिए अल्लाह ताला इनकी अखलाकी हालत का नक्शा खींच कर मुसलमानों को इन बुराइयों के नतीजे से डराया जिसका आज हम शिकार हो रहे हैं। आज के दौर में भी क्या है, जादू बहुत आम है और ये हसद और जो है वो जलन की वजह से किया जाता है। अल्लाह ताला से महफूज रखे, जादू करता उसको दुनिया और आखिरत में बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। ईमान और तकवा का मकाम आयत नंबर 103 में बयान किया गया कि बनी इसराइल ने गलत तरीके अख्तियार करके नुकसान उठाया। काश इनको मालूम होता कि ईमान और तकवा कितनी अजीम चीज़ें हैं और इनका अल्लाह के नज़दीक क्या मकाम है, तो वे इसको अख्तियार करके दुनिया और आखिर में भलाइयाँ समेटते। लेकिन अफसोस कि वह ईमान और तकवा की हकीकत आश्कार ना हो सकी। उन्होंने घाटे का सौदा किया, लेकिन ये सिर्फ बनी इसराइल का तरीका नहीं, आज हम मुसलमान भी ईमान और तकवा को छोड़कर बनी इसराइल के रास्ते पर चल रहे हैं। यही हमारे जवाल का बाइस है। इस्लाम में ईमान को बढ़तरी हासिल है। ईमान के माना किसी चीज़ पर दिली यकीन करने के लिए है, इसलिए ईमान की तारीफ यही है। अरे इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक बिल्कुलबी, ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। तकवा के माना डरना और बचने के हैं। तकवा वो मजबूत ईमानी कैफियत है जो इंसान को बुराइयों से बचाती है, नेकी की तरफ रगबत दिलाती है। हज़रत उबै बिन काब से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तकवा की तारीफ पूछी तो उन्होंने फरमाया आप जंगल में कांटेदार दरख्तों से कैसे गुजरते हैं। हज़रत उमर ने जवाब दिया कपड़ों को समेट कर। हज़रत उबै बिन काब ने फरमाया यही तकवा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तकवा यहाँ है। गोया तकवा बुराई से शदीद नफरत और अच्छाई से शदीद मोहब्बत का नाम है। ईमान और तकवा का अंदाज़ा इंसान के अमाल से होता है। आगे आयत नंबर 104 और 105 पहले ईमान को हिदायत के बारे में जो है वो तंबीह की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है। देखिए दर्शमा या युहा एलना, वो लोग जो आमन ईमान लाए, ला ना तकुलू तुम कहो राइना वकुलू और कहो अंजुना हमारी तरफ निगाह कीजिए, वस्मा और उसके अहकाम सुनो, वल काफरीना काफरों के लिए अजाब नजाब है अलीम दर्दनाक। या युलना आमन ला तकुलू राइना वकुल अंजुना वस्मा वल काफरीना अजाब अलीम, ए काश वो इससे वाकिफ़ होते, अहल ईमान राइना ना कहा करो, उन जुड़ना कहा करो और खूब सुन रखो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अन ये के युनज़ला नाजिल की जाती रहे अलैकुम तुम पर, मिन कोई खैरीन भलाई मिन से रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु अल्लाह यख्तसु खास कर लेता है, बिरहमती साथ रहमत उसकी मन जिसको यशाउ चाहता है, वल्लाहु अल्लाह जू वाला फजल फजल अजीम बड़ा। माँ यबद्दुल्लाज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीना अन अय्युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम।
अहले किताब में से काफिर और ना ही मुशरिक इस बात को पसंद करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो। अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत से नवाजने के लिए चुन लेता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। देखिए आयत नंबर 104 में मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहूदियों की शरारत के बारे में बताया जा रहा है कि यहूदी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो ये जो है वो तासुर देते कि वो इनके मतलाशी है, लेकिन इनका मकसद तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता था। इनके तीन मकासद बयान किए जा रहे हैं। नंबर एक, अपनी इल्मियत का रोब बिठाया जाता, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके पास इल्म है, इसको वो जो है वो बहुत समझते थे। नंबर दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए, दीन इस्लाम पर एतराज़ किया जाए। इस तरह वो लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करना चाहते थे। चुनांचे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से अगर कोई बात वो सुन ना सकते और चाहते कि दोबारा सुन ले तो वो रायना कहते। ये अरबी का लफ्ज़ है, ये मराहत से अमल का सीधा है। जब मुखातिब ने मुतकलम की बात अच्छी तरह ना समझी हो तो मुतकलम को मुखातिब करने के लिए रायना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माना है किसी की बात पर कान रखने, दूसरे के हक़ की रियायत करने के है। रायना एक जू माना लफ्ज़ है जिसके अरबी में एक और माना जाहिर और अहमक के हैं। इसके अलावा इब्रानी ज़बान में इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ था जिसके माना है सुन तो बहरा हो जाए। चुनाचे इस बारे में शेख अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यहूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते, यानी बात ना सुनी होती, चाहते कि फिर तहकीक करें तो कहते रायना, यानी हमारी तरफ भी तवज्जा करके इनसे मुसलमान भी सीखकर किसी वक्त पे ये लफ्ज़ कहते। यहूद का इसके कहने में दगा था, इसको ज़ुबान दबा कर कहते रायना, यानी हमारे चरवाहे। तो इनके अल्फाज में रायना अहमक को भी कहते हैं। मदीना के नौ मुस्लिमों को यहूदियों के इस जो है मतलब गलत बात का इल्म न था, इसलिए वो भी इनकी पैरवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना वो यही लफ्ज़ बोला करते थे। यहूदी इस बात पर खुशी मनाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलानिया बुरा कहने की रविश में भी मुसलमान उनके साथ शरीक है। चुनाचे मुसलमानों को आइना के लफ्ज़ से एतराज़ का हुक्म देते हुए उन जुर्ना कहने का हुक्म दिया, जिसके माना देखने, मोहलत देने और तवक्कुफ़ करने के हैं। इसमें मुतकलम को मुखातिब करने में तोहिन का पहलू नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब किया जा सकता था। दूसरे इस हुक्म का ये भी फ़ायदा हुआ कि मुखलिसीन और मुनाफिकीन की पहचान होगी। अलामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शायद से भी वाजह हो गया कि बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल ममनू है जिसमें बेअदबी और तोहिन का इम्कान तक हो। हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन अदब और तअज़ीम रसूल की इंतहा है, जिसकी तालीम जो है वो उलमाए मुस्तफ़ा यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को दी गई हैं। आयत नंबर 105 में मुखालिफीन इस्लाम की ख्वाहिशात के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो है वो क्या करते थे, कुरैश और यहूदी दोनों इस बात पर सीख पा हैं और जल जाते हैं कि मुसलमानों पर अल्लाह का फजल है और क्यों हो रहा है। इस बारे दो बातें हमें, एक ये कि अल्लाह ताला पर किसी की बंदिश नहीं है, वो किस ख़ास ग्रोह को नवाजे, इस बारे में जिसे चाहता है नवाजता है और नवाजिशात के बाद इसे कुछ असूल ज़वाबित का पाबंद बनाता है। चुनाचे वह इन असूल ज़वाबित को अख्तियार करने पर इसकी रहमत का हकदार बनता है वरना मरहूम हो जाता है। इसकी मिसाल बनी इसराइल है जो अल्लाह के असूलों की पैरवी ना करने के नतीजे में बेहतरीन उम्मत के लकब से मरहूम कर दिए गए। अब मुसलमान भी अल्लाह की आयात से इसी वजह से मरहूम हो चुके हैं। नंबर दो, दूसरी वजह ये थी कि काफिर कभी मुसलमानों के लिए अच्छी ख्वाहिशात नहीं रख सकते। जब कुरान की आयात उतरी इस वक्त भी मुसलमानों को अल्लाह की आयात से मरहूम करने में लगे हुए थे और वह कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए हमें दीन इस्लाम का दामन थाम कर इनकी ख्वाहिशात को नाकाम बनाना चाहिए और अपने दीन को फैलाना चाहिए, इस पर अमल करके फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।